गाड़ी ले चेक कर रहे हो, गाड़ी में आग लगी हुई, कितना धुआं निकल रहा है भाई इस बंदे को पता है? ओ ये क्या हुआ, ओ क्या हुआ, हाँ उठा रहा बाइक भाई, ऐसा लग रहा आग लग गई है, इतना धुआं मैंने कभी निकलता हुआ नहीं देखा भाई। ओह भाई साहब, गाइस ऑटो किसी जानवर के साथ बचा हुआ है, देख रहे हो सारा खून ही खून है हर जगह, यहाँ पे पूरा खून है, बहुत गंदा क्रैश हुआ है, ये देख रहे हो टायर वायर सब अलग हो गया हुआ है भाई, पूरा बंद, गाइस देख रहे हो कितना गंदा क्रैश हुआ है, देख रहे हो हालत, देख रहे हो ऑटो की, भाई 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 ये क्या कर रहे हो यार, गाइस ये चेक कर रहे हो मेरी बाइक का गियर लीवर खुल गया हुआ है यार, ये देख रहे हो घुम्मट वालों ने क्या काम किया हुआ है यार, ये काम करते हैं वो लोग। ओए एक्सीडेंट हो गया था, गाइस पूरी बाइक पानी में फंस गई है, देख रहे हो गाइस यहाँ पे चेक कर रहे हो, यहाँ पे ट्रक का क्रैश हुआ है भाई, कितना गंदा क्रैश हुआ है, ट्रक पूरा उसके अंदर घुस गया हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, होप से बच्चे होंगे, सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल आलम ब्लॉग्स। तो कैसे मेरी YouTube फैमिली, होप से बच्चे होंगे। तो गाइस देख रहे हो आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं फिर से अपने रूम से, सो फाइनली गाइस आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं आपको एक बहुत खतरनाक सा ऑफ रोड, यार बहुत टाइम हो गया हुआ है ऑफ रोड किए हुए और बहुत ज्यादा टाइम हो गया हुआ है KTM RC 390 को चलाए हुए, तो मैंने सोचा कि यार आज का ब्लॉग हम अपनी KTM पे बनाते हैं, पर यार अपनी KTM की बिल्कुल हालत अच्छी नहीं है, आपको पता है जो हमारी न्यू KTM RC 390 है वो तो सर्विस स्टेशन में लगी हुई है, बिकॉज उसका क्रैश हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था उसका, और जो हमारी पुरानी वाली है ना उसका हमने अभी सारा इंजन का काम कंप्लीट करवाया था, पर यार उसके गियर लीवर का काम रहता है, गियर लीवर उसका बार बार निकल जाता, पता नहीं क्या इशू है उसको, पर यार कुछ करके उसको चला लेंगे, अगर निकल गया तो फिर क्या ही कर सकता हूं मैं। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, बाकी सारे फ्रेंड्स हमारा बाबे पे वेट कर रहे हैं, तो चलो निकलते हैं, तो बनाते हैं एक अच्छा सा ब्लॉग। तो गाइस प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताना हमारी वीडियो कैसी बनी और हमारी बॉडी भी कैसी लग रही है, कमेंट करके बताओ। हम चेक कर रहे हो गाइस, ये चेक करो क्या बात है गाइस, बाइसेप पीक चेक करो क्या बात है भाई, जूम करो थोड़ा बाइसेप पीक पे, ओह ये क्या हो रहा है गाइस, मैं जूम कर रहा था वीडियो ही बंद होगी, अब जूम किए बगैर ही पीक चेक करो क्या खतरनाक लग रही है, देख रहे हो, ओह भाई खतरनाक लग रहा है भाई, समाज तो बीच बीच में अपने आप अच्छा लगने लग जाता है, बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाता है इसको। तो चलो गाइस जल्दी से निकलते हैं, मैं पहले तो अपना मोटर ब्लॉगिंग सेटअप, और गाइस दो तीन दिन में हम अपनी लॉन्ग राइड पे भी निकल रहे हैं, पहले हमने भद्रवाह आना है, मैंने आपको बता दिया हुआ है, जस्ट मैं आपको बार बार रिमाइंड करवाते रहता हूँ। गाइस हम निकल गए होते पर यार मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई हुई है, जब से मैं दिल्ली से आया हूँ ना मेरी हेल्थ स्टेबल ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया हुआ है, मैं आपको मेडिसिन दिखाता हूँ गाइस, ये देख लो कितनी सारी मेडिसिन चल रही है मेरी, ये देख लो पास से यार हेल्थ ठीक ही नहीं हो रही है, जब से वहां से मैं आया हुआ हूँ ना स्टेबल ही नहीं हो रहा हूँ, बार बार बीमार हो जा रहा हूँ, वहां का खाना मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया। तो चलो यार अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो सीधा मिलता हूँ आपसे GoPro में। सो फाइनली गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अपनी सारी बाइक्स आ चुकी है, तो बाइक चेक कर लो भी हमारे साथ, अभी और लोंडे भी आने वाले हैं गाइस, आज हमारे साथ एक Xenos है, अपनी KTM RC 390 है, ड्यूक 390 है, RC 200 और आगे भी दो तीन बाइक्स और है, हंटर भी है, तो इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है यार, स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया हुआ है इसको, बैटरी नहीं है, बोल रहे स्टार्ट ही नहीं हो रही है, देख रहे हो स्टार्ट ही नहीं हो रही है यार, ये धक्का मार जरा इसको, एक ही बारी दे जोर से धक्का दे और जोर लगा, हो गई स्टार्ट, ये बंद क्यों हो रही है गाइस, इसको पता नहीं क्या दौरा पड़ रहा है, मैं इसका जैसे एक्सेलरेटर छोड़ रहा हूँ ना ये बंद हो जा रही है यार, तो चलो गाइस अभी चलते हैं आगे, इसको आगे दिखाएंगे यार, चल 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 भाई। A few moments later. गाइस ये चेक कर रहे हो, गाड़ी में आग लगी हुई, कितना धुआं निकल रहा है भाई इस बंदे को पता है? ओ भाई हेलो, भाई हेलो, यार सुन ही नहीं रहा गाइस, देख रहे हो कितना धुआं निकल रहा है गाड़ी से, भाई गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई है कुछ, हाँ जी आया, अच्छा अच्छा मुझे लगा आग लग गई है भाई, मैं डर गया, अच्छा अच्छा ओ भाई धुआं चेक कर रहे हो गाइस, धुआं देख रहे हो भाई, ऐसा लग रहा आग लग गई है, इतना धुआं मैंने कभी निकलता हुआ नहीं देखा भाई, ओह भाई साहब, ये देखो धुआं ही नॉर्मल धुआं निकल रहा है भाई, क्या बात है, देख रहे हो। A few moments later. ओ ये क्या हुआ, ओ क्या हुआ, हाँ उठा रहा बाइक, गाइस यहाँ पे देख रहे हो क्रैश हो गया यार, उठा इसको उठा, हुआ क्या, हाँ ओ भाई लगी तो नहीं, ओ यार साइड से बाइक रगड़ गई यार, हैं रगड़ गई जा रही है, क्या हुआ, आगे लाओ बाइक, आगे लाओ बाइक, आगे लाओ
गाइस पीछे क्रैश हो गया यार, और ये चेक करो मेरा गियर लीवर खुल गया यार, मुझे इसी चीज का डर था। गाइस ये चेक कर रहे हो मेरी बाइक का गियर लीवर खुल गया हुआ है यार, ये देख रहे हो गुम्मट वालों ने क्या काम किया हुआ है यार, ये काम करते हैं वो लोग। बंदे को एक चीज का तीन बार ही काम करवाना पड़ता है यार, मैं करूं क्या समझ नहीं आ रही है मुझे यार। मेरी बाइक का भी गियर लीवर खुल गया है भाई, ये केटीएम वालों को क्या। गाइस देख रहे हो दोनों बाइक्स खराब हो गई है यार, इसका गियर लीवर खुल गया, ये क्रैश हो गई यार। तू आया कब यहाँ पे? गाड़ी वाला एकदम इधर हुआ, मेरी ब्रेक ही नहीं बजी, ये पहले से ड्रामे कर रही, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। गाइस इतनी गर्मी है सारी बाइक्स ओवर हीट हो गई है यार, और इसका देखो ये ड्यूक वाला कहाँ पे गया भाई, ड्यूक भी खराब हो गई हुई, सारी बाइक्स खराब हो गई यार। हाँ ठीक करानी पड़ेगी। गाइस इतनी ज्यादा गर्मी है ना क्या बताऊँ मैं आप लोगों को यार, बाइक अपने आप बंद हो जा रही है। यहाँ पे चेक करो हीट लेवल चेक कर रहे हो, फुल है बिल्कुल यार। गाइस अभी फर्स्ट गियर में ही बाइक को चलाना पड़ेगा यार। गाइस हम वहां पे रुके हुए, यहाँ पे चेक कर रहे हो कितना गंदा क्रैश हुआ है यार। गाइस आज हो क्या रहा है ये देखो भाई, कितना गंदा क्रैश हुआ ऑटो का, देख रहे हो भाई टोटल लॉस हो गया हुआ ऑटो, पूरा ऑटो टोटल लॉस हो चुका है यार। गाइस देख रहे हो कितना गंदा क्रैश हुआ है, देख रहे हो हालत देख रहे हो ऑटो की, भाई 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 है खून लगा हुआ। गाइस देख रहे हो कितना खून लगा हुआ ऑटो पे, गंदा क्रैश हुआ है। गाइस ऑटो किसी जानवर के साथ बचा हुआ है, देख रहे हो सारा खून ही खून है हर जगह, यहाँ पे पूरा खून है, बहुत गंदा क्रैश हुआ है। ये देख रहे हो टायर वायर सब अलग हो गया हुआ है भाई, पूरा बंद। गाइस अगर ये किसी बंदे के साथ बजी है ना तो वो तो बचा नहीं होगा, सीधी बात है। बहुत गंदा क्रैश हुआ है यार, पूरा ऑटो टोटल लॉस है गाइस, पूरा टोटल लॉस है, देख रहे हो अंदर से देखो पूरा टोटल लॉस हो चुका है। और वहां पे अपनी बाइक को भी पता नहीं क्या दौरे पड़ गए हुए हैं यार, उसका कुछ करते हैं। ये देखो भाई इसको क्या दौरे पड़े हुए हैं, ये देखो इसको क्या दौरे पड़े हुए हैं, ये देख रहे हो गियर लीवर कहाँ पहुंचा हुआ है इसका, ये इसमें अटकाया हुआ है, स्टैंड में अटकाया हुआ है कुछ करके। अब इसको गियर में स्टार्ट करते हैं यार। हेलो सब्सक्राइबर हो, क्या हाल है? हेलो हेलो भैया कैसे हो? बढ़िया है बढ़िया, और सब ठीक? सब ठीक है जी जी। फोटो लेना है, आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? साकिब। कल मैसेज भी डाला है आपको कि मैं आया हूं वैष्णो देवी। अच्छा अच्छा, कहाँ से हो सर आप? मैं कुल्लू हिमाचल से। कुल्लू हिमाचल, अच्छा हम भी हिमाचल ही जा रहे हैं थोड़े दिनों में जा रहे हैं। नंबर ले लेना, कॉल कर लेना, कोई बात नहीं भैया। हेलो, इतना बड़ा फैन है ना ये। अच्छा अच्छा अच्छा, बस मैंने जा रहा हूं जम्मू, मैं बस यूट्यूब पे। कोई बात नहीं, ब्लॉग में भी ले लिया मैंने आपको, ठीक है ओके मैम। मैसेज बहुत मैसेज आते हैं पता नहीं चलता है जी जी, कोई बात नहीं। गलती ये चक्कर में अब स्टैंड ही नहीं बंद हो रहा है यार, अटका के रख इसको यहाँ पे, क्या मुसीबत है यार ये बाइक कसम से। यार मैंने शो पीस बना के रखनी है, निकालनी भी नहीं है यार मैंने, अब इसको निकाल के फायदा ही नहीं है। गाइस अब मैं सोच रहा हूँ इस बाइक को पॉलिश करवा के अपने रूम में लगा देता हूँ, अब ये शो पीस बनने के काबिल है। इसको बाहर निकालता हूँ इसका कुछ ना कुछ खराब हो जाता है या टूट जाता है यार, इसको मैंने अब अपने रूम में लगा देना है शो पीस। गाइस दूसरा गेट डाल दिया हमने कुछ करके, अब इसको फोल्ड करके टक करते हैं कहीं पे, अब इसको मैकेनिक के पास ही बंद करूंगा। ये वाली बाइक भी खराब हो गई है, देख रहे हो इसकी बाइक भी खराब हो गई है, केटीएम को पता नहीं क्या हो गया यार, ड्यूक भी खराब हो गई है, ये वाली आरसी भी खराब हो गई है, दूसरी वाली आरसी भी खराब हो गई है। अभी हम बस राइड पे निकले ही थे, अभी हम सिद्रा में ही हैं और देख रहे हो इश्यूज। फाइनली गाइस हम मैकेनिक के शॉप पे पहुंच चुके हैं यार, यार नट लगाना है, बस एक उसका नट निकल गया हुआ है यार, वो होता है ना गियर लीवर का, वो नट निकल गया है। नॉर्मल सा नट ले आओ कोई, वो लग जाएगा, हम भी लगा लेंगे खुद ही, एलकी के साथ लगेगा। गाइस यहाँ पे मैकेनिक भी नहीं है यार, अभी ये है ना ये नट निकला हुआ है, नट लगाना है बस, ये वाला नट है ना। गाइस इतनी ज्यादा गर्मी है ना आज भाई, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कोई 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया होगा, और इतना ज्यादा खज्जल हो रहा है, कभी एक बाइक खराब हो रही है कभी दूसरी बाइक खराब हो रही है। 2000 years later. So finally guys, अभी हम रुके थे जे टाउन, और यहाँ पे चेक करो यहाँ पे हमने अपना लीवर ठीक करवा दिया हुआ है, ये देख रहे हो। अभी हम वापस ना उतर जाए भाई, मुझे इसका डर ही लगा रहता है। तो गाइस यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे अपनी सारी बाइक्स है, वहाँ पे जीनोस है, तो चलो यार अब निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे चेक कर रहे हो, यहाँ पे अपनी जैसी एक और बाइक है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बाजार टाउन ऑफ रोड करने के लिए, तो अभी बहुत मजा आने वाला है। इसमें भी फुल X3 किट लगी हुई है, कितनी खतरनाक लग रही है, ये येलो कलर में, हमारी रेड कलर में। गाइस इतनी खतरनाक वाली गर्मी हो गई थी और हम इतने एग्जॉस्ट हो गए थे ना, इसीलिए हम थोड़ी देर जे टाउन रुके थे रेस्ट लेने के लिए। एंड यहाँ पे कर्व्स चेक कर रहे हो भाई, और लीन चेक करो, क्या बात है भाई, देख रहे हो लीन, वाओ। गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे एक और एक्सीडेंट हो गया भाई, आज कोई मैंने 50 एक्सीडेंट दिखा दिया आप लोगों को, ये क्या चक्कर है भाई, ये वजह कैसे इसके साथ, मुझे ये नहीं समझ आ रही है, कैसे कैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं भाई आजकल।
लीन चेक करो गाइस, क्या बात है। ओहो हो, देख रहे हो लोंडे कैसे चल रहे हैं। मेरे टायर की बहुत खस्ता हालत है, इसलिए मैं ज्यादा लीन नहीं कर रहा हूँ। सो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके अपनी ऑफरोड वाली लोकेशन पे, क्या बात है। चलो गाइस, अभी चलते हैं नीचे ऑफरोड करने के लिए। ओ देखो देखो, दोरे बाइकें आ रही हैं भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, देख रहे हो गाइस, मेरा गोप्रो ही बंद हो गया था। अभी हमने वाटर क्रॉसिंग की है, देख रहे हो बाइक की क्या हालत हुई हुई है, मेरी भी गीली हो गई है पूरी। वो चेक करो गाइस, वहां से सैम आ रहा है। ओ क्या बात है, पानी देख रहे हो। इधर चेक करो, जीनोसो भी जा रही है पानी के अंदर से। ओ क्या बात है भाई, सुपर बाइक्स को भी नहीं छोड़ते हम। ओए एक्सीडेंट हो गया था गाइस, अभी हम बर्न आउट मार रहे थे। पानी देख रहे हो। ओ भाई ओ भाई भाई भाई, ये चक्कर है यार। ओ भाई क्या बात है भाई, क्या बात है। ओ भाई ये चक्कर है यार। ओ भाई ओ भाई क्या बात है भाई, क्या बात है। भाई एग्जॉस्ट में पानी चला गया गाइस। ओ भाई गई भाई गई भाई गई। गाइस इसकी आवाज ही कुछ चेंज हो गई यार। गाइस अभी आपको एक तगड़ा सा बर्नआउट दिखाने वाले हैं हम, अंडर वाटर बर्नआउट। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो चलो अंडर वाटर बर्नआउट दिखाता हूँ आपको। गाइस बर्नआउट चेक करो, क्या बात है, बर्नआउट चेक कर रहे हो। गाइस पूरी बाइक पानी में फंस गई है, देख रहे हो। क्या बात है गाइस, ट्रैक्टर भी चल रहा है ऑफरोडिंग पे। A few moments later, गाइस यहाँ पे चेक कर रहे हो, यहाँ पे ट्रक का क्रैश हुआ भाई, कितना गंदा क्रैश हुआ, ट्रक पूरा उसके अंदर घुस गया हुआ है। ये उल्टी हो गई है गाइस, देख रहे हो कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है भाई, ट्रक का पूरा ट्रक अंदर घुस गया हुआ है भाई। गाइस ये चेक करो, कितना खतरनाक क्रैश हुआ हुआ है भाई, पूरा ट्रक अंदर है भाई नाली के, नाली ये तो नाला है वैसे, इसको नाली नहीं बोल सकते आप, बहुत गंदा क्रैश हुआ है भाई। रुको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से पता चलेगा आपको कितना खतरनाक क्रैश हुआ। ये चेक करो, देख रहे हो भाई, गाइस ये चेक करो कितना खतरनाक क्रैश हुआ हुआ है भाई, भाई पूरा ट्रक इधर गिर गया हुआ है। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल